नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 26 जून से लेके 3 जुलाई तक की होगी। ये रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पहले देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, बाद में देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपको पता है जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। तो देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, उनको लग रहा है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। हो सकता है आपने उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया हो। देखते हैं जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि जस्टिस के कार्ड क्यों आया है। देखते हैं जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं। द टावर मोमेंट, टावर, एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। आपके पर्सन को लग रहा था कि उनको जस्टिस मिलना है, उनको जस्टिस मिलेगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिससे वो आपसे, आपके साथ उनका बात करना बंद हो गया है। तो अभी वो चाहते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर से बात दोबारा से शुरू हो जाए और एक नई बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ हो, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो सारी बातें जिसके कारण से रिश्तों में परेशानी है, वो ये सारे परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं और रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। उनके लिए यही उनका जस्टिस है और वो आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, बहुत सारा बात करना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, अभी वो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ कप्स, आप कंफ्यूज हो। एक्वेरियस, आप कंफ्यूज हो, आपको क्या चाहिए ये आपको पता नहीं है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या चाहिए। देखते हैं सेवन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है, क्यों आप इतने कंफ्यूज हो एक्वेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक, आपको नहीं मिला था या फिर आप चाहते हो। फाइव ऑफ कप्स, किसी ने आपको किसी के खातिर इग्नोर किया था। किंग ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए अभी आप इस तरह के बन गए हो कि जरूरत के कारण से आप रिश्ता रखना चाहते हो। जरूरत नहीं, रिश्ता नहीं, कोई भी बेकार के रिश्ते, बेकार के बातें, बेकार की परेशानी आप अपने दिमाग में नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि आप इसीलिए कंफ्यूज हो कि क्या आपको इस बार इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है पहले आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, इसीलिए आप परेशान हो। अभी आप चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक अगर मिलता है तो सही है, अगर नहीं है तो भाई मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, क्योंकि ये इंसान जिसके साथ आप रिश्ते में हो ये पहले भी किसी और के लिए आपको ठुकराया था, या फिर आपने, क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए। अभी देखते हैं आपके पर्सन को क्या चाहिए, वो चाहते क्या हैं।
टेन ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा दुखी है, परेशान है, क्योंकि पहले भी जस्टिस का कार्ड आया था, उनको लग रहा है कि आपने उनको छोड़ा है, इसीलिए वो जस्टिस चाहते हैं। वो दुखी है, उनको लगता है कि आपने उनको उनके पीठ पीछे छोड़ा भोका है, उनको धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा आपने उनको दिया है कि इसके बाद वो कभी भी अपने पैरों पे उठ के खड़ा नहीं हो पाएंगे। हालांकि वो उठेंगे भी, खड़ा भी होंगे, लेकिन ऐसा उनको लग रहा है। देखते हैं वो चाहते क्या है। क्या वो ये चाहते हैं कि आपको भी इस तरह की धोखा मिले? ये भी हो सकता है कि जैसा धोखा आपने उनको दिया था उस तरह के धोखा आपको भी मिले। देखते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हाँ भाई धोखा तो है। चैरियट एंड डेथ, उनके दिल पे बहुत घाव है। हो सकता है एक्यूरियस आपने उनको धोखा दिया था या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया था, क्योंकि एनर्जी जो है ये चेंज होते रहते हैं। कभी जो बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर सकता है, और जो उनके लिए आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ मैच कर सकता है। तो आपको एनर्जी के साथ जाना चाहिए, आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी एनर्जी किसके लिए काम कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते को दोबारा एक मौका दिया जाए, वो चाहते थे, लेकिन वो अभी ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, उनके तरफ से ये रिश्ता ख़त्म है, उनके दिल पे चोट है, किसी और के लिए आपने उनको छोड़ा है, या फिर उन्होंने आपको छोड़ा था जिसके कारण से आप दुखी हो, परेशान हो। आपको लगता है कि उन्होंने आपको आपके पीठ पीछे आपको छोड़ा भोका है। तो इस तरह की एनर्जी आपको पता है किसका है, कौन किसको धोखा दिया है, ये तो आप ही जानते हो। ये उनको लगता है कि इस धोखे के बाद ये रिश्ता ख़त्म, दोबारा से इस रिश्ते में आने का उनका कोई शौक नहीं है, या फिर आपका। तो वो दुखी है, परेशान है, धोखे से वो अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। अभी देखते हैं एक्वेरियस आप खुद क्या चाहते हो। लो, आप जजमेंट चाहते हो, आप वो पुराने रिश्ते, पुराने दिन सब वापस चाहते हो। सकते हैं आपके साथ आपके बच्चे हो, तभी आप पुराने दिन वापस चाहते हो, पुराने रिश्ते वापस चाहते हो। आप भगवान से गुहार भी लगा रहे हो कि आपको वो रिश्ता मिल जाए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो इस बार क्या आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। पहले तो नहीं मिला था, पहले तो उन्होंने आपको छोड़ा था, या फिर आपने उनको छोड़े थे किसी बात से, किसी और के लिए। तो अभी आपको वो पुराना रिश्ता वापस चाहिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स कुछ बाहर आ गया है। स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है एक्वेरियस आप ही जगलिंग कर रहे हो दो दो रिश्ते के साथ, आप ही ने उनको धोखा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको पता है किसने किसको धोखा दिया है, क्योंकि आपका कोई झूठ बाहर आ गया है, इसीलिए आप अपने अंदर हिम्मत ला रहे हो। हो सकता है आप किसी और के लिए उनको धोखा दिए थे, अभी आप दो दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि कन्फ्यूजन का कार्ड भी आप ही के तरफ ही आया है, और अभी भी आप जगलिंग कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको असल में क्या चाहिए। कोई बात जो छुपा हुआ था, हो सकता है वो बात बाहर निकल गया है, और इसके लिए आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो कि उस बात का सामना करने की हिम्मत आप में नहीं है। आप उस हिम्मत को जुटा रहे हो और आप चाहते हो कि पुराने रिश्ते अगर आपको वापस मिल जाए, क्योंकि आपने हो सकता है किसी और के लिए इस रिश्ते को छोड़े थे, लेकिन अभी आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता, पुराना जो रिश्ता है, ये क्या आपको इक्वल गिव एंड टेक इस बार देगा, क्योंकि हो सकता है गलती आप ही ने की हो। अभी देखते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होने वाला है। देखते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होने वाला है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत होने वाले होना होना होगा होने वाला है इस बार। ये रिश्ता अगर आप लोगों में दोबारा से शुरू होता है तो दोस्ती से होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के लाइफ में ही कोई नया इंसान आ रहा है। देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो फाइव ऑफ कॉइंस के कार्ड, द वर्ल्ड के कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड। यस, आपके लाइफ में वो पुराना रिश्ता फिर से वापस आने की चांसेस है। आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। जिन लोगों ने रिश्ता छोड़ के चले गए थे किसी भी कारण से, चाहे वो पैसों की कारण हो किसी भी कारण से, लेकिन अभी आप लोग दोबारा से इस रिश्ते में आ रहे हो, रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। और आप लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इस बार आप लोग समझदारी से रिश्ते को शुरू करोगे, दोस्ती से शुरू करोगे, जो परेशानी थी उस परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को एक नए तरह से शुरू करने की कोशिश करोगे, और जो पुराने गिले शिकवे थे उसको आप ख़त्म करना चाहोगे। क्योंकि आप लोग जानते हो अगर पुरानी बातों को दोबारा से रिश्ते में लाते हैं तो कभी भी ये रिश्ता सही नहीं जाएगा। आप लोग समझदार हो, आप पुरानी बातों को ख़त्म करना चाहते हो और दोबारा से एक साथ रिश्ते में आना चाहते हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं एक्वेरियस के, उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, शादी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जुबान चलाते हो, कुछ भी बोल देते हो, किसी का भी अपमान कर देते हो, तो जुबान को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हमेशा दिमाग से मत सोचिए। वैसे मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि एक्वेरियस जो है वो हमेशा दिमाग से सोचता है, थोड़ा दिल से भी सोचा करो आप। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में, मुझे लगता है किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्व है जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपको उस कंट्रोल से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। और आप अगर अपना शादी बचाना चाहते हो, दोबारा से परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, जैसा मैंने कहा आप अपना शादी अगर बचाना चाहते हो तो आपको उस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो कि वो आपको नचा रहा है कठपुतली की तरह, जो वो बोल रहा है आप वही कर रहे हो, तो ये आपके लिए बाद में बहुत तकलीफ देगा। इसीलिए आपको खुद को उस एडिक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। और दिल से थोड़ा सोचिए, दिमाग से नहीं, इस तरह से सोचिए जो रिश्ते, जो लोग आपको अपनों से दूर करता है, आपको उल्टा सीधा बोलते, वो कभी आपके अपने नहीं हो सकते। इसीलिए आपको जो रिश्ता आपके काम के नहीं है उसको अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा। और दोबारा से अगर आप परिवार चाहते हो, रिश्ते चाहते हो, तो अपनी जुबान, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, प्यार से रिश्ते में आइए, एडिक्शन के बारे में भूल जाइए, तभी आपका रिश्ता दोबारा से शुरू हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।